खेलना शुरू से लो। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आज जो है मैं आपको क्या करवाने आई हूँ, यानी कि आज जो है डेट कितनी है, 3 नवंबर 2020, क्लास 9th, सब्जेक्ट आपका हिंदी है और टॉपिक है हमारा लेसन 4 जो आपकी बुक में है, सांवले सपनों की यादें। क्या है लेसन? सांवले सपनों की यादें, जो किसके द्वारा रचित है। इस तरीके से ना हमें याद हो जाना चाहिए कि इस लेसन को किस कौन इसकी रचयिता है, कौन इसके लेखक या कवि है। तो कौन है? जाबिर हुसैन जो है इसके लेखक हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जाबिर हुसैन के बारे में बताना चाहूँगी कि जाबिर हुसैन जो है उन्होंने सलीम अली के सपनों की यादें जो है, सलीम अली जो है उनके स्मृति के बारे में, उनका जो अंतिम समय था उसके बारे में अपने साहित्य में वर्णन किया है। और सलीम अली जो थे वो जो है प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद ही जो है अपने साहित्य में कोई भी कहानी या कोई भी संस्मरण लिखे। तो ये जो है जाबिर हुसैन द्वारा संस्मरण है। तो अब जो है मैं आपको संस्मरण के बारे में बताना चाहूँगी कि संस्मरण जो होता है क्या होता है। संस्मरण जो है इस ये संस्मरण ही है एक सांवले सपनों की यादें। तो संस्मरण से तात्पर्य जो हमारी स्मृति होती है, यानी कि पुरानी यादें होती हैं और उनको याद करके लेख के रूप में लिखना ही संस्मरण कहलाता है। तो इसमें जो है सांवले सपनों की यादों में सलीम अली के बारे में वर्णन किया था। तो सलीम अली का जो है बेटा वो अंतिम समय था जब इन्होंने वर्णन किया था। अंतिम समय यानी कि 100 वर्ष के होने वाले थे सलीम अली। और सलीम अली जो थे एक बर्ड वाचर थे। एक शब्द आया आपका बर्ड वाचर। बर्ड वाचर से तात्पर्य है बर्ड वाचर। तो बर्ड वाचर से जो है तात्पर्य पक्षियों के बारे में जो है गहनता से जानना, गहराई से जानना ही बर्ड वाचर कहलाता है। गहराई से जानना यानी कि कौन सा पक्षी जो है किस स्थान पर पाया जाता है, ठंडे इलाके में या गर्म इलाके में या जो है सामान्य इलाके मैदानी क्षेत्रों में। तो इस तरीके से जो है सलीम अली पक्षियों की गहनता को जानते थे, उनकी गहराई से उनका अध्ययन करते थे। ये पक्षी किस तरीके से रहते हैं, किस स्थान पर इनको रहना अच्छा लगता है, तो उनके बारे में पक्षियों के बारे में जानना ही बर्ड वाचर कहलाता है। तो उसमें जो है जाबिर हुसैन जी ने, मैं बता रही थी आपको, सलीम अली के बारे में वर्णन किया है। और कब किया था ये वर्णन? जब सलीम अली अपने अंतिम सफर जो है कर रहे थे। अंतिम सफर से तात्पर्य यानी कि वो मृत्यु के नज़दीक थे। मृत्यु से नज़दीक का तात्पर्य कि जो है सलीम अली को कैंसर था। क्या था? कैंसर था। और कैंसर के कारण जो है वो बीमार थे। बीमार होने के कारण वे अपने अंतिम समय की यात्रा कर रहे थे। तो सलीम अली के बारे में जो है जाबिर हुसैन ने ये वर्णन किया है जो कि एक संस्मरण है। तो अब जो है सलीम अली क्या थे, हमारे सामने एक क्वेश्चन उभरता है कि सलीम अली क्या थे। सलीम अली जो है एक पक्षी प्रेमी थे। कौन थे? पक्षी प्रेमी थे, जो कि वो पक्षियों को बहुत अधिक प्यार करते थे। तो बचपन में जो है बेटा एक बार सलीम अली एयर गन से खेल रहे थे। एयर गन जैसे बच्चे जो है लकड़ी की वो नहीं बना लेते, ऐसे एयर गन बुलेट जिसको बोलते हैं, बुलेट सुना है तुमने? बुलेट सुना है? ऐसे के ऐसे लकड़ी होती है, इसमें जो है एक रबड़ टाइप का बांध लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी इस तरीके की जो है लकड़ी होती है और
बांध लेते हैं, ये फुट्टा बांध लेते हैं। तो इसको जो है यहाँ से पकड़ने के बाद इसमें जो है कोई पत्थर की मिट्टी या कुछ भी ऐसी थोड़ी सी वो लेकर और इस रबड़ को ना अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर खींचकर जो है फिर इसको जैसे जैसे रबड़ होती है ना रबड़, उसको ऐसे खींच कर फिर एकदम तुमने कागज करते थे जैसे कागज की गोलियां बना के रबड़ में, मैंने देखा था पहले, तो ऐसे फिर मारते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो है सालिम अली जो है वो क्या कर रहे थे, यानी कि एयर गन से बचपन में खेल रहे थे। किससे खेल रहे थे? एयर गन से बचपन में खेल रहे थे। तो एक बार जो है एयर गन उन्होंने चलाई तो उनकी छत पर बैठी गौरैया को जो है वो जाकर लग गई। क्या जो इसमें थोड़ी क्या बोलते पत्थर की टुकड़ा इसमें बांध के ऐसे खींच के किसी को मार गए तो वो जो है किसको लग गई थी? एक गौरैया को लग गई थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि गौरैया जो है वो घायल होकर नीचे जमीन पर गिर गई। कौन गिर गई? गौरैया जो है घायल होकर जमीन पर गिर गई। और जमीन पर गिरने के बाद सालिम अली ने देखा कि जो है वो अंतिम सांसें अपनी गिन रही थी। तो ठीक उसी प्रकार जो है सालिम अली के अंदर जो है पक्षियों के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया। क्या चला गया? उनके प्रति जो है पक्षियों के प्रति जो है प्रेम जागरूक हो गया और उसको जो है एक तरीके से सबक मिल गया कि मेरे हाथ से एक पक्षी की मृत्यु इस तरीके से हो गई। तो उसको एहसास हुआ, उसने जो है उसको उस गलती को दूर करने के लिए उसने भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में जो है उसकी जिज्ञासा हुई जानने के लिए और उसका जो है पक्षी प्रेम बढ़ता गया। तो उसी प्रकार जो है सालिम अली ने जो है पक्षियों के प्रति अपने प्रेम दिखाया, ठीक उसी तरीके से जो है आपने देखा होगा वृंदावन में आज भी जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जो है गोपियों के बीच श्री कृष्ण जी जो है वो ही लीला कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। तो ऐसे ही जो है वहाँ पर आनंद लेने के लिए जो है वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं वृंदावन, उनको वहाँ पर जो है लोगों को एहसास होता है कि आज भी जो है वृंदावन में श्री कृष्ण जी मटकी यानी कि मक्खन से भरी मटकी फोड़ रहा है। तो इसका भी जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार जो है सालिम अली आज हमारे बीच में नहीं है और उनकी यादें जो है ठीक उसी प्रकार जो है हमें प्रतीत होती है जिस प्रकार वृंदावन की यादें यानी कि आज भी श्री कृष्ण की यादें हमारे मन मस्तिष्क पर बनी हुई हैं। कैसे बनी हुई हैं? जैसे मैंने बताया कि आज भी वो जो है मक्खन से भरे और गोपियों के जो है पानी लेने के लिए वो जाती थी और छोटी छोटी गलियां वहाँ की काही वृंदावन की आज भी जो है हमें श्री कृष्ण जी की यादें दिलाती है। ठीक उसी प्रकार जो है आज भी पक्षियों के प्रति हमारा ऐसा ही व्यवहार है जैसा कि सालिम अली का था। तो एक बार बेटा क्या हुआ, राजस्थान में यानी कि रेगिस्तान में जो है गर्म हवाओं के झोंके यानी कि एक तूफान आने वाला था। क्या आने वाला था? एक तूफान आने वाला था रेगिस्तान में और वहाँ पर जो है एक ग्रीन वैली थी। ग्रीन वैली यानी कि एक तरीके से ग्रीन वैली यानी कि एक हरा भरा बगीचा था यानी कि जहाँ पर जो है पक्षी चहचहाते थे और पक्षी जो है अपना क्रियाकलाप करते थे और वहाँ पर जो है आनंद उठाते थे। तो सालिम अली को जो है एक बार उनकी चिंता हुई कि अगर रेगिस्तान में जो है ये गर्म हवाएं आएगी और तूफान आएगा तो ये ग्रीन वैली जो है नष्ट हो जाएगी। ग्रीन वैली अभी मैंने बताया कि हरी भरी जगह है जहाँ पर हरियाली जो है पूर्ण रूप से व्याप्त थी और पक्षी वहाँ पर अपना समय बिताते थे और वे वहाँ पर खुश रहते थे। तो जो है सालिम अली
उस समय जो थे वहाँ के हमारे देश के जो थे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। आपने नाम ही सुना होगा चौधरी चरण सिंह। तो उन्होंने उनके पास गए, कौन गए? सालिम अली। किसके पास गए? चौधरी चरण सिंह जी के पास गए और उन्होंने जो है इनसे पूछा कि आप जो है अगर मैं आपसे इजाज़त मांगूं तो ये जो है रेगिस्तान की जो ये तूफान एक तरीके से झोंका आने वाला है तो इसको रोका जा सकता है हमारे प्रयत्न से। तो उसने चौधरी चरण सिंह जी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो सालिम अली ने बताया हमारी जो ये ग्रीन वैली है ये नष्ट हो जाएगी गर्म हवा के झोंके से, तूफान आने से जो है ये ग्रीन वैली नष्ट हो जाएगी और नष्ट होने के कारण जो है हमारे पक्षी जो आज इस दुनिया में चहचहा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वे विलुप्त हो जाएंगे यानी कि खो जाएंगे। तो उनकी चिंता करते हुए किसने? सालिम अली ने जो है उनकी किनकी चिंता? पक्षियों की चिंता करते हुए और चौधरी चरण सिंह के सामने जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। तो चौधरी चरण सिंह जी ने जो है ग्रीन वैली को बचाने के अन्य प्रयत्न किए और प्रयत्न के बाद जो है सालिम अली वहाँ से चले आए थे ग्रीन वैली को बचाने के लिए और चौधरी चरण सिंह जी ने भी इसमें हाँ कह दी थी कि हाँ हम इसको बचा सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे। तो उस समय जो है चौधरी चरण सिंह जो है हमारे बीच में आज नहीं है और जो है बेटा आज हमारे बीच में सालिम अली भी नहीं है। लेकिन चौधरी चरण सिंह की आंखों में ये बातें सुनकर कि सालिम अली जो है पक्षियों के प्रति इतना प्रेम इतना अच्छा व्यवहार जो है दिखा रहा है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे यानी कि उनकी आंखें नम हो गई थी। तो थोड़ा सा मैं आप रोकना चाहूंगी कि चौधरी चरण सिंह, तो ये क्वेश्चन आता है आपकी बुक में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चौधरी चरण सिंह की आंखें नम क्यों हो गई थी, उनकी आंखों से आंसू क्यों आ गए थे। तो ये आपको क्लियर हो गया क्यों आए थे उनकी आंखों में आंसू? क्योंकि सालिम अली जो है ग्रीन वैली को बचाने के लिए पक्षियों की देखरेख के लिए उनकी व्यवस्था के लिए जो है चौधरी चरण सिंह जी के पास गए थे और उनसे जो है एक रिक्वेस्ट एक आदर के रूप में उनसे कहा था कि जो है आप इस ग्रीन वैली को बचाने का कुछ प्रयत्न कीजिएगा जिससे कि जो है ये पक्षी जो हैं अपना अच्छा जीवन बिता सकते हैं, अपनी जो है रहन सहन अच्छा तरीका कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते तो हमारे जो इस दुनिया में जो पक्षी हैं वे सारे विलुप्त हो जाएंगे यानी कि नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको क्लियर कर लोगे आप? क्योंकि जब हम पाठ का सार पढ़ते हैं या बुक में पढ़ते हैं तो उसमें जब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं पढ़ने के बाद जो है कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसका आंसर हम बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सालिम अली के पक्षी प्रेमी और जो है बर्ड वाचर के रूप में इनको दर्शाया गया है। तो एक बेटा इसमें वर्णन आता है लोरेंस का। किसका? जो लोरेंस है इसमें वो सालिम अली कौन थे? इसमें पक्षी प्रेमी सालिम अली थे पक्षी प्रेमी और लोरेंस थे लोरेंस थे कौन थे? ये थे प्रकृति प्रेमी। कौन थे? ये प्रकृति प्रेमी। तो लोरेंस के बारे में भी जो है इसमें वर्णन किया गया है। किस किस के बारे में वर्णन किया गया है? सालिम अली के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में जो कि मेन पॉइंट है। उनको हम ऐसे पकड़ लेते हैं जो कि मेन पॉइंट होते हैं। सालिम अली के बारे में बर्ड वाचर के उनको बताया गया है और उनकी बीमारी के बारे में भी इसमें जो है बेटा दर्शाया गया है। और फिर जो है वो चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ जाते हैं और एक गोरैया जो कि उनकी बचपन में उनकी एयर गन से
जो है घायल हो गई थी उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी के पास वे जाते हैं अपनी ग्रीन वैली को बचाने के लिए, उनकी नहीं वो सभी की ग्रीन वैली थी उसको बचाने के लिए। उसके कारण जो है चौधरी चरण सिंह जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद जो है अब पॉइंट है लॉरेंस। तो इस तरीके से जो है लॉरेंस कौन थे, एक प्रकृति प्रेमी थे। तो जो है एक बार फ्रीडा जो है वो उससे पूछती है, लॉरेंस की पत्नी के पास जाती है फ्रीडा और वो उनसे पूछती है कि आप लॉरेंस के बारे में कुछ। लॉरेंस की पत्नी ही फ्रीडा थी, लॉरेंस की पत्नी जो है फ्रीडा थी। तो एक बार उनसे पूछने जाते हैं कि जो है लॉरेंस के बारे में आप कुछ कहेंगी। तो फ्रीडा ने, यानी कि जो लॉरेंस की पत्नी थी फ्रीडा, उसने कहा कि जो है मैं लॉरेंस के बारे में क्या जानती हूँ, मेरे से अधिक तो जो है मेरी छत पर बैठी गोरैया से आप पूछ सकते हैं। क्योंकि लॉरेंस जो थे प्रकृति और पक्षियों से जो है बहुत अधिक उनको लगाव था, पक्षी ही जो है उनके बारे में अधिक आपको जानकारी दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है फ्रीडा ने कहा कि आप जो है मेरे से अधिक कौन बता सकता है, मेरी छत पर बैठी गोरैया ही बता सकती है। सालीमली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से जो है बेटा अपनी आत्मकथा लिखी थी। किसमें लिखी थी सालीमली ने, एक नाम आया है आपकी बुक में फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से जो है सालिम अली ने एक अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी कथा भी लिखी थी। और डीएच लॉरेंस के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, क्योंकि लॉरेंस की भी जो है मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु के बाद जो है कुछ लोगों ने जो है उनके बारे में पूछा था। तो फ्रीडा ने, यानी कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया। फ्रीडा जो थी लॉरेंस की पत्नी थी, उन्होंने जो है अपने पति से एक अनुरोध किया था उन्हें कुछ कहानी लिखने के लिए। तो उसने जो है उत्तर दिया था कि छत पर बैठने वाली गोरैया उसके पति के बारे में जो है सबसे अधिक जानती है। तो इसमें था ये फ्रीडा और जो है लॉरेंस के बारे में वर्णन किया गया है और सालिम अली के बारे में। आपको इसके पॉइंट पता चल गए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट इसमें मेन आए हैं। तो बचपन में सालिम अली ने अपनी एयर गन से यानी कि एक गोरैया को घायल कर दिया था और उसी ने जो है उसे आजीवन यानी कि जीवन भर यानी कि मृत्यु तक वो जो है उसे पक्षी प्रेमी यानी कि पक्षियों का सेवक बना दिया था। वे उन्हें ही खोजते रहे और लंबी दूरबीन जो है लटकाए जगह जगह घूमते हुए वे पक्षियों की तलाश करते रहे और अपने खोजपूर्ण नतीजे अपनी रचनाओं के द्वारा देते रहे। लेखक की जो है आंखें आज भी सालिम अली की यादों में भीग जाती है। तो ये था आपका सालिम अली का सांवले सपनों की यादें, इसके बारे में जो हमने आपको पूरा बताया है। तो आप एक बार अच्छी तरह अपनी बुक में देखेंगे, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए अपनी बुक में देखो, जो चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ। वैसे मैंने पूरी स्टोरी तुम्हें बता दी, कोई चीज़ है जो आपने इसको रीडिंग करी होगी जो आपको समझ नहीं आई तो आप इसको पूछ सकते हैं मेरे से। टाइम दे दिया मैंने तुम्हें, अब
जो चलो मैं खैर कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ जो कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरेंट हैं, यानी कि जो बुक में आते हैं आपके एग्जाम में भी आते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड करने होते हैं, तो उन जो है पैरों पर आप टिक मार्क करेंगे और जो टिक मार्क है वो पेंसिल से ही करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहला पैरा है इसमें आपका जो कि एग्जाम में आता है, उसमें से क्वेश्चन फाइंड आप करते हैं अच्छी तरह आप कर लेते हैं। तो सबसे पहला पैरा है गद्यांश का कि सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले, मिला ये पैरा आपको, देखिएगा मिलेगा। और लास्ट जो लाइन है इसकी, आखिरी गीत गाने के लिए बाद मौत की गोद में जा बसा हो, मिला ये पैरा। तो जो भी है अपने लेके तो आओ टप के, अब ऐसे खाली बैठे रहोगे ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। फिर देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, नहीं मिले पैरा बुक में है ना, हाँ तो ये निशान लगाइएगा। तो इसमें से जो है कहाँ से कहाँ तक बताया मैंने, लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों, अभी मैं बता रही हूँ लास्ट लाइन कौन सी है, लास्ट लाइन जो है आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, यहाँ तक जो है ये पैरा है जो आपकी बुक में आ सकता है। इसमें से कौन कौन सी क्वेश्चन आ सकते हैं नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी पे साथ साथ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैं हमेशा आपको बताती रही हूँ कि पाठ और लेखक का नाम, जो कि आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। देखिए, पाठ और लेखक का नाम जो कि आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, तो इस पैरे में से सबसे पहले क्वेश्चन, इस पाठ के लेखक अपना टिक कीजिएगा बुक में कि कौन सा पैरा आ सकता है, उसमें से कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, प्रस्तुत पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपका बन सकता है इसमें कि इस हुजूम को कोई रोक टोक क्यों नहीं सकता, क्योंकि जब साले माली की मैं आपको समझा देना चाहती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, हुजूम यानी कि भीड़, एक तरीके से जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है यानी कि उसकी अर्थी सकता, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। वैसे आपकी बुक में इस पैरे में से आप इसको कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है इसमें, सालिम अली का यह कैसा सफर है, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि सालिम अली का जो है ये कौन सा सफर था, अंतिम सफर कौन सा था बेटा, ये सालिम अली का जो है ये मृत्यु हो गई थी और उनका ये आखिरी सफर था। इस सफर में वे स्वयं चलकर नहीं जा रहे थे, जबकि उनको जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको चार लोग कंधे पर जो है रखकर ले जाते हैं, यानी कि चार कंधों से जो है अर्थी उनकी चार लोगों ने उठाया हुआ था। इस सफर से वे लौटकर कभी भी नहीं आ सकते, तो इसका ही आंसर होगा। लिख लिया ना थर्ड क्वेश्चन आपने, लिखा ना कि ये उनका कैसा सफर था, थर्ड क्वेश्चन है यानी कि उनका ये कैसा सफर था। तो इस तरीके से ये उनका अंतिम सफर था, और अंतिम सफर से तात्पर्य कि ये सफर जो है उनका कभी वापस लौट कर नहीं आने वाला था। मैं ओरल समझा रही हूँ, आप इसको बाद में कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन अपने ये क्वेश्चन फाइंड समझने के लिए करना है, फिर कॉपी में नहीं करने, अभ्यास के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही उसमें करेंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसमें बन सकता है, प्रकृति में विलीन होने से जो है लेखक का क्या तात्पर्य है, प्रकृति में विलीन होने से लेखक का क्या तात्पर्य है। लेखक का मानना है कि जिन प्राकृतिक तत्वों से इन
मानव शरीर का निर्माण हुआ है और मृत्यु के बाद जो है मानव शरीर उन्हीं पांच तत्वों में जाकर जो है विलीन हो जाता है। तत्व कौन से हैं? जैसे जल, अग्नि और जो है मिट्टी, पृथ्वी हमारी जो होती है, आग, पानी, ये जो है तत्व होते हैं। तो उन्हीं में जो है जाकर इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर जो है हमारा शरीर बना हुआ है और इन्हीं पांच तत्वों में जाकर जो है वो विलीन यानी कि मिल जाता है। तो इसमें यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहेगा, उन्हीं पांच तत्वों में जाकर जो है विलीन हो जाता है मानव मृत्यु के बाद। यहाँ लेखक का जो है प्रकृति में विलीन होने से यही आशय है कि सलीम अली का जो है शरीर जिस प्राकृतिक तत्वों से बना था उन सब का शरीर उन्हीं प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता। तत्व मैंने बता दिए, आग, अग्नि और जो है पानी और सूर्य का प्रकाश जो होता है और पृथ्वी, ये इस तरीके से जो है हमारे पांच तत्व होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा है इसमें जो बोर्ड में आता है कई बार, पता नहीं है सब कब हुआ था। देखिएगा बुक में आपकी, पता नहीं है सब कब हुआ था लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी, किस नदी का? यमुना नदी का सांवला पानी मिला, मिल गया। तो यानी कि ये जो है जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा, यहाँ तक का है ये पैरा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, पता नहीं यह सब कब हुआ था, ये क्वेश्चन लिख लो, पता नहीं है सब कब हुआ था, लेखक का संकेत किस घटना की ओर है, पता नहीं है कब हुआ था, लिख नहीं रहे, पता नहीं है कब हुआ था, लेखक का संकेत किस घटना की ओर है। और सेकंड इसमें क्वेश्चन निकलता है कि सांवला पानी किस नदी का है, इसे देखकर कौन सी घटनाक्रम हमें याद आती है, ये स्वयं करेंगे आप, अपने आप करेंगे, ठीक है। किस घटना की याद आती है, यमुना नदी में जब श्री कृष्ण जी गए थे नाग के ऊपर बैठे थे याद आया, तो ये घटना आप स्वयं लिखेंगे, याद होनी चाहिए आपको। थर्ड, पतली गलियां कहाँ की है, अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था, लोगों की भीड़ कब, कहाँ और क्यों जाती है, ये भी मैंने सारा डिटेल्स बताई थी कि लोगों की भीड़ आज भी क्यों जाती है वृंदावन में, कि उनको ऐसा प्रतीत होता है मानो आज भी श्री कृष्ण जी उन गलियों में अपनी रासलीला कर रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, किसका संगीत जादू बिखेर देता है, ये क्वेश्चन जो है मैं कल आपसे पूछूंगी, तो आप मुझे बताएंगे। और नेक्स्ट यानी के अगले पैरे जो है मैं तुम्हें इसमें करवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, नाइन क्लास।